आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहला है हमारे पास, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जो हमारे पास जो लिगेंड्स है ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, अराउंड सेंट्रल मेटल एटम और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दे, ठीक है, उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है जिसमें हमारे पास प्लेन ऑसिमेट्री प्रेजेंट ना हो। अब प्लेन ऑसिमेट्री क्या होती है, हमारे पास जब भी हम कोई प्लेन पास करें मॉलिक्यूल में से और वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब फर्स्ट है हमारे पास CO इथाइलिन डायमिन 3 पॉजिटिव, अभी इथाइलिन डायमिन नंबर 1 बाइडेंटेड लिगेंड, मतलब दो लोन पेयर डोनेटर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखें तो NH2 CH2 CH2 NH2, सी डोनेटिंग साइट ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखे हम, ये हो जाएगा CO N N N N N ये N। अब हम यहाँ पे देखे तो इसके डिफरेंट अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि सारी डोनेटिंग साइट नाइट्रोजन है, तो अगर डिफरेंट अरेंजमेंट करेंगे तो एनवायरनमेंट तो सेम ही रहेगा, तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर देंगे, तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स ये सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब हम कोई प्लेन पास करूंगा मैं यहाँ से, ठीक है, अब ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं बाइडेंटेट वाले, ये तीनों डिफरेंट प्लेन में होते हैं, ये एक्स वाई प्लेन में, ये वाई जेड प्लेन में होता है, और ये जेड एक्स प्लेन में मॉलिक्यूल होता है, तो तीनों इक्वल हाफ में कभी कट नहीं हो पाएंगे, POS प्रेजेंट नहीं होगी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहा, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग होगा कि ज्योमेट्रिकल नहीं दिखा पा रहा था। फिर मेरिडोनियल CO डाई इन Cl3, मेरिडोनियल CO डाई इन Cl3। अब डाइन जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, वो एक डाइन जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास एक ट्राइडेंटेट लिगेंड है, जिसकी तीनों डोनेटिंग साइड नाइट्रोजन 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 है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखे तो ये होता है NH2 CH2 CH2 NH2 CH2 CH2, और ये NH2, ये डोनेटिंग साइट है, एक ये डोनेटिंग साइट और एक ये डोनेटिंग साइट। और मेरिडोनियल का मतलब होता है जिसमें हमारे पास, देखे मेरिडोनियल फॉर्म ड्रॉ करें तो जिसमें हमारे पास जो एक सेम लिगेंड जो है वो दोनों अपोजिट और एक ट्रांस हो, सॉरी एक एडजेसेंट हो। पहले तो जो दो सेम लिगेंड है वो तो अपोजिट हो एक दूसरे के, ट्रांसपोजिशन और एक एडजेसेंट हो उनके। और जो नाइट्रोजन, ये देखिए फिर हमारे पास है सेम लिगेंड डिफरेंट पोजिशन पे, ठीक है, ऐसे, तो मेरिडोनियल फॉर्म होगी, ठीक है। अब कोई प्लेन पास करेंगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास जो ट्राइडेंटेट वाला है डिफरेंट प्लेन में प्रेजेंट होगा, तो मैं अगर कोई प्लेन यहाँ से ऐसे पास करो तो इक्वल हाफ में कट नहीं हो पाएंगे, ये वैसे नहीं प्रेजेंट होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे। तो मेरिडोनियल फॉर्म सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, क्योंकि ये तो खुद एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की फॉर्म है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा नहीं सकता, ये भी रॉन्ग है। फिर है PtCl6 2-, अब PtCl6 2- देखे, PtCl6 2-, अब क्लोरीन देखे तो मोनोडेंटेट लिगेंड है, और सारे हमारे पास जो देखे तो सारे क्लोरीन है लिगेंड, तो ये प्लेटिनम Cl, ये चारों एक प्लेन में, ठीक है। अब हम देखे तो ये सारे हमारे पास सेम ही लिगेंड है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड गिव सेम स्ट्रक्चर, हम लिगेंड्स को कैसे भी अरेंज कर ले सेम ही स्ट्रक्चर मिलेगा, सेम स्ट्रक्चर, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं देगा, ठीक है। फिर मैं कोई प्लेन, जो ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, मैं कोई प्लेन यहीं से पास कर देता हूँ, यहाँ से कोई प्लेन पास करता हूँ, ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल तो हाफ में कट हो जाएंगे, ये जो चारों क्लोरीन प्लेन में थे, और जो ये ऊपर क्लोरीन और नीचे क्लोरीन हमारे पास देखे तो इक्वल हाफ दे देंगे, ऊपर भी क्लोरीन और प्लेन से नीचे भी क्लोरीन, POS प्रेजेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं शो कर पाएगा, तो ये कोई सा भी नहीं दिखाएगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, तो ये भी ऑप्शन होगा। फिर है PtGlycinator 2 Cl2 Platinum Glycinator 2 Cl2, अब ग्लाइसिनेटो हमारे पास एक बाइडेंटेट लिगेंड है, जिसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास NH2 CH2 COO- डोनेटिंग साइट ऑक्सीजन, और यहाँ से नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब हम देखें
तो ये हमारे पास सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखिए पहले तो हम सिस में देखते हैं। तो सिस में तुम्हारे पास दोनों सी एल जो है वो हमारे पास एडजेसेंट साइट पे होंगे, तो सी एल और ये सी एल। ठीक है, और ग्लाइसिनेट मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखिए एक बार तो ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन आ गया। हाँ देखिए सिस, ये सिस वन होगी। ठीक है, एक बार हो सकता है ऑक्सीजन के सामने नाइट्रोजन आ जाए। ठीक है, प्लेटिनम क्लोरीन क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये हमारे पास होगी सिस की सेकंड फॉर्म। ठीक है, और एक बार हो सकता है जो हमारे पास जो है नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन आ जाए, ट्रांस पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो, सीएल सीएल नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये हमारे पास किसी की थ्री फॉर्म होगी। ठीक है, और किसी भी तरह अरेंजमेंट करेंगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर देंगे। ठीक है, अब ट्रांस में देखें तो ट्रांस में हम क्लोरीन और क्लोरीन को अपोजिट पुट कर दिया, एन ओ एन ओ। ठीक है, ये ट्रांस की फर्स्ट आ गई, और ट्रांस की सेकंड क्या होगी, क्लोरीन के सामने तो क्लोरीन हो, लेकिन अब यहाँ देखे तो नाइट्रोजन के एडजेसेंट नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन के एडजेसेंट अब ऑक्सीजन आ जाएगा और ट्रांस पे, और अपोजिट आ जाएगा नाइट्रोजन, ये ट्रांस की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखे तो हमारे पास पांच आइसोजोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ गई इसकी, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे रहा है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखे तो मैं ये देखे, ये दो बाइडेंटिटी लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में होंगे, अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो वाई जेड प्लेन में होगा, जब कोई प्लेन यहाँ से पास करूंगा मैं ये प्लेन तो इक्वल हाउस में डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि एक तो ये दोनों बाइडेंट डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में, और इस साइड हमारे पास बाइडेंटेट का मॉलिक्यूल है, सेट क्लोरीन है, तो ये ओएस प्रेजेंट नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सिमिलर यहाँ पे ये भी तो डिफरेंट प्लेन में है, यहाँ से भी कोई हम ये पास करेंगे तो पी ओ एस नहीं होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो प्लेन पास करेंगे। सिमिलर इस वाले में भी हमारे पास कोई प्लेन यहाँ से पास करेंगे तो प्लेन उसमें एंट्री प्रेजेंट नहीं होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसमें कोई मैं मॉलिकुलर प्लेन से पास करूंगा, प्लेन यहाँ से पास किया, ये देखिए ये तो सारे मॉलिक्यूल्स हाफ में कट हो जाएंगे, लेकिन प्लेन के ऊपर भी क्लोरीन और प्लेन के नीचे भी क्लोरीन, तो इक्वल हाफ दे रहे हैं, ये ओएस प्रेजेंट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर पाएगा। सिमिलर यहाँ पे मैं यहाँ से प्लेन पास करूंगा तो ये ओएस प्रेजेंट और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो इस वाले आइसोमे इस वाले कंपाउंड की बात कर तो ज्योमेट्रिकल भी दे रहा है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा, जो हमारे पास दोनों आइसोमेरिज्म दे रहा है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।